निजी स्कूल की तानाशाही से परेशान एक परिवार। जगदीश कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल की तानाशाही से एक परिवार को अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ रहा है। महिला का कहना है कि उसकी दुकान निजी स्कूल के सामने है, जिसे निजी स्कूल संचालक बंद कराना चाहता है। वह कई बार उन्हें धमकियां भी दे चुका है। वहीं महिला का कहना है कि उसका पति जो कि विकलांग है वह दुकान पर बैठता है। वहीं स्कूल संचालक द्वारा उनको कई बार धमकियां भी दी गईं। वहीं आज एक युवक भी उनकी दुकान पर पहुंचा और उसने कहा कि 2 बजे तक यह दुकान यहां से हटा लो, नहीं तो नगरपालिका द्वारा तोड़ दी जाएगी। वहीं युवक ने अपने आप को नगरपालिका कर्मचारी भी बताया, जिसके बाद महिला नगरपालिका पहुंची और नगरपालिका अध्यक्ष से सुनवाई की मांग की। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी दुकान नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में उनकी रोजी रोटी उनसे छीनी जाएगी या नहीं। अच्छा, किस जगह पे आपकी गुमटी? बीस बाई बीस में है और हमारी जमीन। नहीं नहीं, किस जगह पे है? जगदीश कॉलोनी है ना, और शांति पब्लिक स्कूल के सामने थोड़ा उधर को है स्कूल। अच्छा, किस चीज की गुमटी है आपकी? वो जैसे वो आते ना जी, पॉप्स वगैरह, गोली, बिस्किट। अच्छा अच्छा, किराने की दुकान। तो क्यों हटवाई जा रही है आपकी? वो बच्चों का सामान, मीठी वगैरह ऐसी बोलो, आते सो बोलते की पुड़िया देते हमारे बच्चों। अच्छा अच्छा, तो आपको आपकी गुमटी हटाने का दे रहे हैं? हाँ, गुमटी हटाने। तो आपने सलूजा जी से बात करी? हाँ, सलूजा जी से बात करी, पता नहीं ऐसे बोल रहे। हाँ हाँ, हटवा दूँ, अभी तो छुट्टी है, जाओ जाओ। नहीं नहीं, बोली कि हम बोल देंगे, और कहीं फोन लगा के अभी बोल देंगे, कहीं नहीं हटाने, नहीं हटाएंगे। और वो तो ऐसे धमकी दे गया था जो दीपक किराना, मेरे हस्बैंड बैठते हैं उनके पैसे, वो लाचार या पाए जाएंगे, तो कोई काम तो ऐसा वो कर नहीं सकते, वजन वाला बैठे बैठे काम करते हैं, ऐसे दोष देख रहा है वो। जहाँ तक ये बोला घर तक तोड़वा देंगे, इतना बड़ा हो रहा है, हमारा घर तोड़वा देगा। जी मैं यदि नगर बोला, हम नगर पालिका से आएंगे, और कहीं इसने आवेदन दिया है स्कूल वाले ने कि आप 2 बजे तक हटा लो, वरना हम 2 बजे तक आगे सब तोड़ताड़ देंगे।